बारा के सदर थाना क्षेत्र के धींसरी गांव के पास में पार्वती नदी में मध्य प्रदेश में हो रही बरसात के बाद नदी में अचानक आए उफान में ट्रैक्टर ट्रोली लेकर गए दो जने नदी के बीच में टापू पर फंस गए। ग्राम पंचायत द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू टीम को भेजकर दोनों युवकों और ट्रैक्टर ट्रोली को निकालने के प्रयास किए। रेस्क्यू टीम के मोनू पंकज ने बताया है कि दोनों युवक नदी पार करके ट्रैक्टर ट्रोली से खेती कार्य के लिए गए थे। लौटने के दौरान नदी में उफान आने से दोनों नदी में टापू पर फंस गए, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की शुरुआत की और दोनों युवकों का रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला। पास में इनके खाते की जमीन है नदी के बीच में, तो वहाँ पे लोग खाद वाद छिड़काने कर्मचारियों को लेके गए हुए थे। अचानक नदी में पानी आने की वजह से लोग वहाँ पे फंस गए। फंसने के बाद प्रशासन को अवगत करा दिया गया। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे समय पर पहुँच चुकी है और इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उधर से चार पांच जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया। ट्रैक्टर पे जो फंसा हुआ उसको निकालने का प्रयास चल रहा है और जल्दी से जल्दी इनको निकाल लिया जाएगा। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। प्रशासन में पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुके, तहसीलदार साहब यहाँ पहुँच चुके, रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँच चुकी और कोई प्रकार की समस्या नहीं, निकाल लेंगे।